तो बारिश की वजह से दोस्तों केज के अंदर भी पानी आ चुका है और छत से भी पानी टपक रहा है। और ये हमारे मेल कबूतर हैं सारे के सारे, देख सकते हैं आप। टोटल ये 16 हैं, ये सब के सब झाड़ में आ रखे हैं, देख सकती हैं। बबरे की सिर्फ 3 कली बची हैं, साथ में हरे कबूतर की भी 3 कली बची हैं, ऊपर वाले बबरे की भी 2 कलियाँ हैं, काले की भी 1 कली बची है। लगभग सभी कबूतर अपनी झाड़ कर रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पट्ठे और मदिनों वाला सेशन। इधर भी आप हालत देख सकते हैं भाइयों, पानी भरा हुआ है, कबूतर भी भीग चुके हैं और पट्ठे भी भीग चुके हैं। लगभग ये भी लगभग सारे के सारे कबूतर झाड़ में आ रखे हैं, कुछ कबूतर इसमें से गीले हो चुके हैं। तो अभी इनको बाहर निकालेंगे और ये सूख जाएंगे और इनको दाना भी डाल देंगे। अभी कबूतर खुल चुके हैं दोस्तों, थोड़े बहुत ये रहे, बाकी के ऊपर उड़ रहे हैं छत पे। ये पट्ठे निकले थे कुछ, उनको भी इनके साथ छोड़ देंगे अभी बाहर। तो मैं पट्ठे निकालता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरे सब बढ़िया होंगे आप। तो आज सुबह से बारिश हो रही थी हमारे इधर, जिसकी वजह से कबूतर खोलने का समय नहीं मिल पाया। और इनके जो केज है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग दूसरे में भी सेम टू सेम वैसा ही है। इसकी वजह से कबूतर भी काफ़ी भीग चुके थे और ये सब के सब झाड़ में हैं। ये देख सकते हैं, इस नीले की 2 कलियाँ हैं सिर्फ, इस कूलन की भी 2 कलियाँ हैं, ये बबरे की भी 2 ही कलियाँ बची हैं, ये काले चोटीदार की हैं अभी थोड़ी बहुत कलियाँ, इस पट्ठे की भी 2 कलियाँ हैं। काफ़ी कबूतर कलियों में आ चुके हैं भाइयों, जिसकी वजह से झाड़ का मौसम शुरू हो चुका है। ये कबूतर देखिए, ये नया लेकर आए हैं हम, दिखाता हूँ आपको। 3 से 4 कबूतर नए लेकर आए थे, इसमें से एक तो ये है और दूसरा वो चांदना घूम रहा है दीवार के पास, और था एक ये सुरखा, ये जो ऊपर को जाने को कर रहा है, ये वाला जो भी चमका था वो, और एक पट्ठा था चोटीदार, वो भी इधर ही किधर ही घूम रहा होगा। तो दिखाते हैं उसको भी अगर मिलता है तो। इसमें से जो बच्चे निकले थे हमारे, उसमें से एक पट्ठा ये रहा, एक पट्ठा वो ऊपर बैठा है ये, उसके बगल में भी ये पट्ठा निकला था हमारे घर का, और एक पट्ठा ये घूम रहा सामने, और ये रहा एक पट्ठा। टोटल 5 पट्ठे निकले थे, बाकी अभी निकल रहे हैं और 2 निकलने वाले हैं। तो अभी सारे के सारे कबूतर ये झाड़ में आ रखे हैं। तो अभी भाइयों ऑफ सीजन में यही पिजन बचे हैं हमारे पास। अभी जैसी इनकी झाड़ खत्म होगी तो 10 से 15 कबूतर नए लेकर आएंगे, और बाकी के 15 कबूतर हमने खींच कर रखे हैं उड़ाने के लिए, तो आपको दिखाएंगे वो भी। ये सारे के सारे कबूतर इसमें से नए हैं, कुछ कुछ पट्ठे हैं। ये चांदना देखिए, जिसकी बात कर रहा था मैं, नया लेकर आए हैं ये पट्ठे हैं। ये थोड़ा सा बीमार हो रखा है, इसका भी इलाज कर रहे हैं। चलिए अभी मैं इनको दाना डालता हूँ, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब नहीं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।